हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? चलिए, अच्छे ही होना चाहिए। चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। उससे पहले प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि हमारी किया क्या क्या कर जाती हैं मीरा के साथ, और मीरा बस हक्का बक्का बन के बस देखते ही रह जाती हैं। तो किया जो होती है वो सोचती रहती है कि यार मैं हमेशा इसकी बातों में तो ये सोचती है कि ये चीज़ें हैं क्या, ऐसा क्यों है। और इधर सॉरी, हमारी मीरा वो अपने फीलिंग्स को बता रही होती हैं रूली के साथ। रूली कहती है कि हो सकता है कि तू जो सोच रही है वो ना हो के ये सही हो। कहते ना कि हमेशा दिल सच बोलता है, तो तू अपने दिल की सुन। तो धन आगे ऐसे बोलने के बाद जो हमारी रूली होती है कहती है कि देख, जिंदगी उसे इतना उलझाएगी, जिंदगी उतनी उलझती जाएगी और तू समझ नहीं पाएगी कि तेरे साथ हो क्या रहा। तो यदि तेरे को अपनी ज़िंदगी को सुधारना है तो थोड़ा सा तुझे अपने आप पर पेशेंस रखना होगा। तेरे साथ हो क्या रहा है थोड़ा सा संभल के सोचना होगा। तो कहती है कि कैसे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो मुझे इतना डोमिनेट करती है, हुक्म चलाती है यार मुझ पर, फिर भी मैं उसको कुछ नहीं बोल पाती। और ये सब कहती है कि पता नहीं ज़िंदगी में क्या ही हो रहा है, क्या ही नाटक मच रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। इधर अनु अपने कुछ नोट्स को लेके आ रही होती है, वो मेरे किस तरह बातें सुन के वो भी परेशान हो उठती है और वो मैं वापस लौट जाती है, वो जाती है मीरा के पास। और साक्षी जो होती है वो जो हमारी किया होती है उनके साथ बैठी हुई होती है। तो कहती है कि किया मुझे तो उससे बात करनी है। अच्छा, जो कि देखती है कि उसका हाथ उसने होल्ड किया हुआ है साक्षी ने, तो उसको और ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहते हैं कि हाँ मैं आती हूँ ना। तो कहते हैं क्यों, क्या काम है? साक्षी पूछती है कि मेरी दोस्त है, मैं उससे बात कर सकती हूँ? साक्षी, हम दोस्त हैं, सब दोस्त हैं, ठीक है, रिलैक्स, इधर आ जाओ। तो ये क्या चल रहा है, और ये साक्षी के साथ तुम ज़्यादा चिपक नहीं रही हो? तुमको इतनी ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है। अगर दीदी देखो पता लगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। तो कह देंगे यार मैं कहाँ कर रही हूँ, यही जी पकड़ रही है, मैं तो उसे चाहती हूँ पीछा छूट जा, बस एक बार ये मैडम के सामने क्लियर कर देना, सब ठीक हो जाए। तो कहती है कि सच में ये सब तू चाहती है ना? तो कह देंगे हाँ यार मैं ऐसा ही चाहती हूँ। और ऐसा सोच के बैठी रहती है। तो कहती है कि ऐसा क्या हो गया कि तो इतनी ज़्यादा सोच में पड़ गई है? तो कहती है कि नहीं, कुछ सोच में नहीं हूँ मैं। तो कहती है नहीं तुझे यार अनु, मुझे ना तेरी बहन को मैं जब भी करीब जाती हूँ मुझे अजीब सा लगता है, लाइक पहले से जानते हो या मतलब एक धुंधली सी यादें मुझे याद आने लगती है, वो पूरी तरह से नहीं बताती हैं कि ऐसा सब। बट कहती हैं कि हो सकता है। तो उनके सर में दर्द होने लगता है कि देखिए यार प्लीज़ तू ज़्यादा मत सोचो और दवाई ले ले। जैसे कि अनु को भी पता होता कि हमारी किया काफ़ी सारी दवाइयाँ लेती हैं, तो वो उसको उसके टेबल पे बैठा दी है और कहती है कि अपनी दवाइयाँ ले ले। वो कहते कि इसकी दवाइयाँ खाएँ साक्षी।
दीदी मुझे क्या पता, इसी को पता हुआ तो कैसी फ्रेंड हो यार, तो मैं ये तक नहीं पता। उसके बैग में वो ढूंढने लगती है और वो उसको मिल जाती है और उसको दवाई और पानी देती है, खाती है। थोड़ी देर उनके बाद उसको रिलैक्स होता है, फिर इधर से ये अनु यहीं पे खड़ी होती है इधर बैग कर, हमारी मैडम आ जाती है मेरा और कहती है अटेंशन ये सब क्या हो रहा है। देखिए वो मैम किया की तबीयत खराब हो गई थी, इसके सर में दर्द रहा था, तो मैं बस वही मेडिसिन दे रही थी। कहती ठीक है जाओ बैठो, या तुम ठीक हो, ऐसा पूछती हैं। यदि तुम्हें आराम की ज़रूरत हो तो तुम मेडिकल रूम में जाके आराम कर सकती हो। तो कहती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ मैडम। तो सब लोग गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तो वो भी गुड मॉर्निंग विश करती है। अभी उसके आवाज़ में दर्द और तकलीफ झलक रही होती है, तो मीरा थोड़ा सा अपसेट होती है कि मतलब उसको क्या हो गया। और फिर वो क्लासेस देना स्टार्ट करती है, और स्टार्ट करने के बाद सब लोग नोट बना रहे होते हैं, तो हमारी किया के लिए हमारी अनु नोट्स बना रही होती हैं, क्योंकि ननु कहीं ना कहीं बहुत ब्रिलियंट जो होते हैं ना, बहुत अच्छा स्टूडेंट होती हैं। बहुत तो होता है कि एक इंसान दोनों काम कर लेता है, वो सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए ये सब चीज़ें कर रही होती है, साक्षी बस दवा कर रही होती हैं कि वो मुझसे प्यार करती हैं ये वो वगैरह वगैरह। क्योंकि होता है ना कि हम किसी चीज़ को मना करें तो वो चीज़ हमें और अट्रैक्ट करती है, वैसे ही हाल हमारी साक्षी के साथ होता है कि किया ने मना किया होता है, इस वजह से उनको उनके लिए अट्रैक्शन और बढ़ चुका होता है। तो फिर उनकी इवनिंग में प्रैक्टिस भी होती है, तो वो जाती है क्लासेस देने के बाद। तो जाने के बाद जो होता है कि रोली से कहती है कि यार सुनना आज तेरे से एक फेवर चाहिए। हमारी मीरा कहती है कि क्या बोल, आज तो ना क्रिकेट वालों की प्रैक्टिस मत करवाया। तो कहती है क्यों क्या हो गया, तो कहती है कि यार वो यहाँ बोल ना क्या हुआ, तो इतनी चीज रखने कब से लगे। वो किया की तबीयत खराब है और वो थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी मुझे, तो तू आज रहने दे प्लीज़। अब तो कह रही है यार तुझे उसे बात भी नहीं करनी है, तुझे उसके साथ भी नहीं रहना, तुझे उसकी इतनी फिक्र भी है क्यों। तेरे हिसाब से साक्षी है और तू फिक्र और प्यार मेरे किया के लिए दिखा रही है मेरा। कह रही है जो भी है यार बस तू आज रहने दे यार, एक फीवर कर दे मुझे। तो कहते हैं कि ओके ओके ठीक है चल रिलैक्स। तो जब वो प्रैक्टिस नेट पे जाती हैं हमारी किया, तो हमारी रूली कहती है कि आज प्रैक्टिस कैंसिल था, तो आज सिर्फ पीटी होगी, तो तुम घर जा सकती हो किया। तो कहेंगे नहीं मैम मैं कर लेती हूँ। तो रूली किया से पूछती है कि तुम ठीक हो ना, तो कहेंगे हाँ। तो कहेंगे कि आपको कैसे पता मैम कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कहती है कि कुछ नहीं बस पता है चल। तो वो पीटी करती हैं और फिर इधर सब लोग कॉलेज ऑफ होता है जाने लगते हैं, बट कुछ ना कुछ बहाने से हमारी जो मैडम होती हैं मेरा वो वेट कर रही होती हैं किया का निकलने का, और इधर साक्षी भी हैं। तो साक्षी जो होती हैं दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं मगर बात नहीं कर रहे होते हैं, मेरे और साक्षी। तो फिर साक्षी चल के आती है, तो कहती है कि मैम आप को घर नहीं जाना क्या। कहते हैं नहीं वो मुझे थोड़ा सा काम है प्रिंसिपल सर से, तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि वो फ्री हो तो मैं जाऊँ उनसे बात करने के लिए। तो
दी कि ओके और बाकी सब ठीक है मैम, तो कहती है कि हाँ, क्योंकि उसकी बातों में वो थोड़ा सा होता है ना कि झिझक, और मतलब ये क्या, फिर अचानक से मेरे को ऐसा होता कि मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये शायद मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, लाइक कि ये मेरी स्टूडेंट है, जब ये पसंद करती है तो मतलब ऐसे बात कैसे कर सकती है। तब तक हमारे किया आ जाती है, इन दोनों को बात करते हुए देख लेती है, तो वहाँ पर तो भैया हमारी किया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। किया को आते हुए देख साक्षी के लिए भागते जाते, उनको गले से लगा दी, तू आ गई चल, अब हम चलते हैं। तो कहती है कि हाँ तू गाड़ी में बैठ, मैं थोड़ा सा वॉशरूम से होके आती हूँ, क्योंकि वहाँ से मीरा चली गई होती है स्टाफ रूम की तरफ, और सब लोग चले भी गए होते हैं। इधर अर्जुन अपनी तैयारी में लगा हुआ होता है, तो जाती है और उनका हाथ पकड़ती है, स्टाफ रूम से बाहर ले गए, फिर वॉशरूम की तरफ लेके जाती है, और उनको दीवार से लगाते हुए कहती हैं कि एक बात समझ नहीं आती, हाँ कितनी बार समझाया है आपको कि साक्षी और अर्जुन के आसपास भी मत भटका करो, आप समझ नहीं आता, समझाना पड़ेगा आपको। क्या चाहते क्या हो, क्या कर दूँ मैं? और वो अपने हाथों को बहुत जोर जोर से दीवार पर मारने लगती है, और यदि जितना आपको प्यार से समझाती हैं उतना आप ना समझ, आप बच्ची हो हाँ, कि आपको बैठा के उंगली पकड़ के समझाने की ज़रूरत है। वो टोन काटते हुए कहती हैं कि क्या लगता है आपको कि साक्षी आपसे प्यार करती है? नहीं, वो मुझसे बदला निकाल रही है, और ये मैं बहुत जल्द आपको क्लियर करा दूंगी, ठीक है? असली इंसान उस वक्त कौन बात कर रहा था ये बेहद जल्दी आपको पता चलेगा, वो साक्षी नहीं थी, उसने जो गेम खेला है मैं उसके मुंह से कबूल करवाऊंगी कि उसने कौन सा गेम खेला है, और तब देखती हूँ कैसे मुझे नहीं अपनाते हो। और ये नहीं कि और यूं बार बार मेरे सामने साक्षी और अर्जुन से दूर रहो, समझी? और फिर जाने लगती है, फिर अचानक से वापस आती है और उनके फेस पे जो बाल हुए होते हैं उनको ठीक करती है, और उनके कमर को अच्छे से होल्ड करते हुए अपने हाथों में फिर कहती है कि सॉरी मेरे इस बिहेवियर के लिए। और ऐसा बिहेवियर देख के हमारी मीरा शॉक्ड होती है, और उनके हाथ पे चोट, वो उनको समझ नहीं आता कि क्या करें। अचानक से उनको ध्यान आता है कि उन्होंने हैंग के लिया हुआ होता है, ये हाथ से खून भी बह रहा होता है, तो वो उसे हैंगी से कवर करती हैं, और कवर करने के बाद वहाँ से वो कहती हैं कि क्या चाहती क्या हो तुम क्यों ऐसी हो किया? कहती है कि मैं आपको चाहती हूँ, और मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप सिर्फ मुझे चाहें, कि नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे किसी और से प्यार है, क्योंकि हाँ मुझे पता है किससे प्यार है, बट वही इंसान आपको बार बार एहसास दिला रहा है कि मैं हूँ वो इंसान, साक्षी नहीं। कि तुम पागल हो गई हो, जो नंबर से मैसेज आता था वो साक्षी के पास है, वो उस वक्त उस जगह पे थी जब हमारी मैसेज में बात हुई थी। यार कभी कभी लोग कहते हैं ना कि आंखों देखी हर चीज़ सच नहीं होती, और कानों से सुना हुआ हर बात सच नहीं होता, तो मैं ऐसी बातों पे भरोसा करी हो, ठीक है? मेरी बातों पे भरोसा नहीं, साक्षी की बातों पे भरोसा है ना, उससे बेहद जल्दी ये चीज़ कबूल कराऊंगी कि
वो नहीं है जो आपसे बात करती थी, जिससे आपको प्यार है। और जिस दिन ये क्लियर हुआ ना मेरा, तो सच बता रही हूँ, मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि उस दिन सच में मेरा प्यार यूँ मुझे ज़बरदस्ती करके नहीं, वो खुद से मेरे पास आएगा और आप खुद से मेरे पास आओगी और सॉरी बोलोगी, समझिए। और उनको इतने करीब खड़ा करके ये सब बातें बोल रही होती है, मेरे को बिल्कुल एहसास नहीं होता है कि कब वो इतना करीब एक दूसरे के आगे खड़े होकर बात कर रहे हैं, बिल्कुल एहसास ही नहीं होता। और इधर दरवाजे पे कोई इनकी बातें सुन रहा होता है और कहती हैं उनके बालों को सेट करते हुए, कहती हैं कि अब जाओ आप, मैं आती हूँ। और उसके आसपास भी मत भटकना प्लीज़, मैं बोल रही हूँ। तो वो चली जाती है और फिर वो हमारे मेरा इधर से, तो वो शॉक्ड होती है ऐसे बिहेवियर को देख के, किया के बिहेवियर को, और अपने फेस को वॉश करती हैं किया इधर, और फिर वहाँ से वॉश करने के बाद निकलती हैं, अपने कार की तरफ जाती हैं। और कार की तरफ जाने के बाद वो बैठती हैं और कहती हैं साक्षी की चलें, तो कहती है कि हाँ चलो। इधर मेरा भी गाड़ी लेके निकल जाती हैं। ऐसे अनु अपने दी को परेशान देख के काफ़ी ज़्यादा उसको बुरा लगता है, कहती है प्लीज़ भगवान जी इन दोनों के बीच में जो भी बातें हैं जल्दी से क्लियर करा के ये सब बातें ख़त्म कर दो, ताकि मैं अपनी फ्रेंड और अपनी दी के साथ खुशी खुशी जी सकूँ। ऐसे दी को परेशान देख के मुझे भी परेशानी होती है। वो जाती है, साक्षी को छोड़ती है और फिर वो गाड़ी को पैक कराती है और मेरा के घर के सामने वही खिड़की पे रोकने को बोलती है, मतलब थोड़ा सा साइड लगाने को बोलती है गाड़ी को। और वो जैसे ही मेरे पहुंचती हैं घर, ये फ्रेश होती हैं और उनकी माँ बोलती हैं बेटा फ्रेश होके आ जाओ और मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा नाश्ता लगा देती हूँ। तो कहती हैं क्यों माँ, आज डिनर नहीं बनेगा? तो कहती हैं कि आज हमें हमारे रिश्तेदार के यहाँ जाना है, तो हमारा आज का डिनर उधर ही है। तो कहती हैं कि ठीक है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। इधर अनु भी चली जाती है, आलू कहती है कि दी दी दी। तो कहती हैं कि क्या हुआ आलू? कहती हैं कि हाँ देखिए ना, मुझे होमवर्क मिला, मेरा होमवर्क पूरा नहीं हो पा रहा है। तो कहती है कि अनु प्लीज़ हेल्प कर दो आलिया को। तो कहती हैं जी दी। तो वो वहाँ से चली जाती हैं और अपना बैग रखती हैं, फिर वॉच खोलती हैं और फिर से उनका ख्याल आता है कि कल शायद खड़ी थी हरी किया उनके लिए विंडो पे, तो शायद अभी भी खड़ी हूँ, क्या मैं खोल के एक बार देखूँ? तो वो खिड़की, वो ऑलवेज ही कॉलेज से जाने के बाद वो विंडो को खोलती हैं क्योंकि फ्रेश एयर आ सके। वो खोलती हैं और उनका ध्यान गाड़ी के साइड खड़ी किया पे जाता है। तो वो अपना फ़ोन उठाती हैं और किया को फ़ोन करती हैं कि देखिए क्या कर रही हो। हाँ मतलब ये साइको की तरह पीछा क्यों करना है? तो कह देंगे कुछ नहीं, बस एक बार देख के घर जाना चाहती थी इसलिए मैं यहाँ खड़ी थी। तो आप रोज आके कॉलेज से ये खिड़की खोलते हो, तो मैंने सोचा मैं देखती हूँ जाऊँ कहीं फिर से अर्जुन या साक्षी से मिलने का मन तो नहीं हो गया आपका। तो ऐसे बोलते हैं शट अप, निकलो यहाँ से। तो ये देंगी वो ऐसा निकाल रही हो जैसे कि आपके घर में मैं खड़ी हूँ, मैं तो रास्ते पे खड़ी हूँ। तो मैडम जी आप नहीं निकाल सकती मुझे। और तो नहीं ठीक है, मतलब इतनी बदतमीजी कहाँ से सीखा है किया? देखिए कुछ नहीं, बस अभी अभी धीरे धीरे आ रहा है। तो कहती है कि हाँ समझ में भी आ रहा है कि कहाँ से
इतनी बदतमीजी आ रही है। देखिए, ओ मतलब मैडम को मेरी बातें बदतमीजी लग रही है। हाय हाय मैडम, आप इतने भी क्यों सख्त बन जाते हैं? ये प्लीज़ डोंट, ये मत करो, ये मैं तो करूँगी। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। क्या मीरा को जो हमारे की ऐसे डोमिनेट कर रही होती है, क्या वो सही है? कमेंट बॉक्स में बताओ। बाय, टेक केयर।